तो स्वागत है फ्रेंड्स वरदानंदेड रेलवे लाइन सीरीज के आज के नए अपडेट में हमारे यूट्यूब चैनल वीआर ब्लॉग्स पर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वरदानंदेड रेलवे लाइन सीरीज के आज के इस नए अपडेट में हम अपडेट लेने के लिए पहुंचे हैं दारवा रेलवे स्टेशन पर, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में दारवा जंक्शन में तब्दील हो जाएगा। पिछले अपडेट में हमने इस रेलवे लाइन का जो जंक्शन पॉइंट है उसे कवर किया था। अगर आपने हमारा वो अपडेट नहीं देखा है तो लिंक पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज के इस अपडेट के लिए हम पहुंचे हैं दारवा जंक्शन के पास में। इस साइड से जो अर्थवर्क आ रहा है वो आ रहा है दिग्रस रेलवे स्टेशन की साइड से। यहाँ से दिग्रस की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस साइड में जंक्शन पॉइंट रहने वाला है। तो इस जंक्शन से लेकर उस जंक्शन पॉइंट तक 4 से 5 रेलवे ट्रैक रह पाएंगे, इतने बड़ी जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। और यहाँ पर जो अर्थवर्क है वो अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। यहाँ से दारवा शहर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस साइड में आप आगे की ओर देख पाएंगे तैयार होता हुआ दारवा रेलवे जंक्शन। इस जंक्शन पर नज़दीक में ही आपको शकुंतला रेलवे लाइन का जो रेलवे ट्रैक है वो भी दिखाई देता होगा। शकुंतला रेलवे लाइन का जो दारवा रेलवे स्टेशन है वो यहीं पर था और उसी को अब रिनोवेट करके एक नया दारवा जंक्शन बनाया जा रहा है। इस साइड में प्लेटफॉर्म्स जो है वो रहने वाले हैं। काफ़ी दूर से मिट्टी लाकर आगे की साइड में अर्थवर्क जो है वो किया जा रहा है। इस वरदानंदेड रेलवे लाइन का दारवा जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन होने वाला है। यहाँ से हावड़ा मुंबई लाइन और नांदेड़ की तरफ जाने वाली ट्रेनों को यहाँ से पास होना पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में दारवा जंक्शन और इस शहर के आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा विकास करने के लिए इस रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर जो बार लगाए गए हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस साइड में पहला प्लेटफॉर्म, इस साइड में दूसरा प्लेटफॉर्म होने वाला है। इस बीच वाली जगह पर 2 रेलवे ट्रैक्स होने वाले हैं। प्लेटफॉर्म्स की दीवार जो है वो खड़ी की गई है। इस साइड में तीसरा प्लेटफॉर्म भी रहने वाला है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चौथे प्लेटफॉर्म की भी तैयारी हो सकती है, लेकिन उसका अभी काम कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दारवा जंक्शन लगभग 3 प्लेटफॉर्म का हो सकता है। तो यहाँ पर जो वाटर टैंक आप देख रहे हैं वो शकुंतला रेलवे लाइन के स्टेशन पर जो वाटर टैंक है उसका नज़ारा आप यहां से देख सकते हैं। वो अब यहां पर एक स्मारक के तौर पर रह चुका है। यहां पर आप देख पाएंगे कि प्लेटफॉर्म की दीवार जो है वो काफ़ी दिनों पहले से बनाई जा रही है और इसे बनाने का काम प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर पूरा हो चुका है। हालांकि प्लेटफॉर्म का काम करना अभी बाकी है। दारवा रेलवे स्टेशन से आगे आने वाला स्टेशन दिग्रस रेलवे स्टेशन होगा, जो 3 प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। और यहाँ पर शकुंतला रेलवे स्टेशन के कुछ अवशेष आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस रेलवे स्टेशन को दारवा मोतीबाग रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था। काफ़ी छोटा प्लेटफॉर्म शकुंतला रेलवे लाइन का आप आगे की ओर देख पाएंगे। वहाँ पर शकुंतला रेलवे लाइन के रेलवे ट्रैक्स भी आपको दिखाई देते होंगे। और जो ब्रॉडगेज नई रेलवे लाइन है वो उससे का काफ़ी हाइट पर बनाई जा रही है। ये जो स्टेशन की बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग है और अब यहाँ पर नई बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य जारी है। दारवा मोतीबाग रेलवे स्टेशन तपोना रेलवे स्टेशन यानी कि बोरी रेलवे स्टेशन के बाद में आने वाला स्टेशन होगा, जिसकी दूरी यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर हो सकती है। तो अब इस स्टेशन को पूरी तरह से रिनोवेट किया जाएगा और उसके लिए 1 से 1.5 साल यहां से लग सकता है।
इस साइड में रेलवे स्टेशन का गेट होने वाला है और ये रोड जो है ये दारवानेर रोड है। दारवानेर रोड पर दारवा जंक्शन बनाया जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर्स की निर्मिति का जो कार्य है वो अभी अंतिम पड़ाव में आ चुका है। कुछ कुछ क्वार्टर्स का जो काम है वो पूरा भी हो चुका है। तो इस साइड में रेलवे के क्वार्टर्स रहने वाले हैं और इसका काम लगभग 2 से 3 महीने में पूरा हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर प्लेटफॉर्म निर्मिति का कार्य जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में इस रेलवे स्टेशन पर ट्रैक लेन का भी काम किया जाएगा, यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल में यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस रेलवे स्टेशन से अगर मुंबई की और डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है तो यहाँ के किसानों का माल JNPT पोर्ट तक डायरेक्ट पहुँचा जा सकता है। इससे इस इलाके के किसानों को काफ़ी फायदा होगा, ऐसी उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्लेटफॉर्म के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीचे की साइड में आपको शकुंतला रेलवे लाइन का जो रेलवे ट्रैक है वो भी नज़र आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेलवे क्रॉसिंग है ये शकुंतला रेलवे लाइन का दारवानेर रोड पर होने वाला क्रॉसिंग है। इस साइड में दारवा शहर की ओर आप जा सकते हैं और अब इस रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनाया जाने वाला है, जिसकी सहायता से रेलवे लाइन ऊपर से पास होगी और रोड को नीचे की साइड से पास किया जाएगा। यहाँ पर ब्रिज निर्मिति का जो कार्य है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर ब्रिज बनने में अभी भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस साइड में नेर शहर की दूरी यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर हो सकती है। उसके बाद में यह रेलवे लाइन आगे की ओर यानी कि इस साइड में यवतमाल रेलवे स्टेशन की तरफ पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये अपडेट ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपडेट पसंद आया है तो लाइक बटन के लाइन में जो थैंक्स बटन है उसे दबाकर आप हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए अपडेट में।